इस समय देश पूरे देश में और हमारे जनपद में भी कोरोना के से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज ही का उदाहरण है, 8 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए तो 11 नए पॉजिटिव आ गए। हर जगह हमारे ऑफिसेज में रैंडम सैंपलिंग, हर जगह संक्रमण के नए नए पेशेंट्स निकल रहे हैं। हमने लगातार हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि बहुत कठिन उपाय नहीं है इसके संक्रमण से बचाव का, कि बिना वजह बाहर न निकलें। जो लोग वृद्ध हैं, बीमार हैं, वो बाहर न निकलें, और जब बाहर निकलें तो आपका चेहरा पूरी तरह ढका हो। चेहरे पर हाथ ले जाने से पहले आप अपने हाथ को अच्छी तरह साबुन से धोएं, और ये तीनों उपाय करने से हम इससे बच सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये मास्क आप देखिए, यही मास्क ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मास्क को आप 8 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर ज़्यादातर लोगों ने कई दिनों से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉकेट में रखे हुए हैं। जब पुलिस और प्रशासन की गाड़ी देखते हैं तो वापस लगा लेते हैं, या फिर कितने लोगों ने बाकायदा इसका हार पहना हुआ है, जब जब देखेंगे किसी को तो ऊपर कर लेंगे। आप किसे धोखा दे रहे हैं? आपके और आपके परिवार की सुरक्षा हर जगह प्रशासन नहीं कर सकता, आपको करनी होगी। और बहुत मुश्किल उपाय नहीं है, ये कपड़े का मास्क है, 6 रुपये का एक मिलता है। 3-4 मास्क आप ले सकते हैं, इसको धुल कर अच्छी तरह धूप में सुखा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आज इस्तेमाल किया वो कल नहीं, इसी तरह ये मास्क भी 3-4 लेने पड़ेंगे, जो आज इस्तेमाल किया वो कल नहीं। और जिन लोगों की शिकायत यह है कि मास्क लगाने से जब पसीना होता है तो क्या करें, पसीना लगा हुआ मास्क इस्तेमाल ना करें, ये जो आपका देसी मास्क है ये बहुत अच्छा है, इसके 3 लेयर बनाइए। आपकी पसीने से धूप से सबसे सुरक्षा करेगा। पूरी तरह इसको बांधिए, दिखावे के लिए नहीं, और ये आपके सिर की सुरक्षा करता है, पसीने से भी सुरक्षा करता है। अच्छे से आप कर सकते हैं। केवल 3-4 उपाय ही तो हैं कि आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। बिना वजह बाहर ना निकलें, बाहर निकलें तो चेहरा पूरी तरह ढका हो, और जब बाहर निकलें तो एक दूसरे से दूरी बनाए, और सबसे बड़ी बात, हाथ धोने से पहले, चेहरे पर हाथ लगाने से पहले हाथ जरूर।